हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। और फिलहाल इससे पहले जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ था दोपहर तक का, मैं शेयर करी थी कि 5 बजे के बाद का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि होता है कभी कभी फुल डे रूटीन नहीं शेयर हो पाता है, किसी दिन होता है कि सूट ही नहीं हो पाता है, इसलिए फिर आधा सूट होता है आधा नहीं होता है, इसलिए मैं आधा आधा करके आप लोग के साथ फुल शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी वेट करते रहते हैं कि हाँ डेली ब्लॉग डाला करिए। तो कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं हो पाता है सूट करने का, मतलब पॉसिबल क्या, मन नहीं करता है, कभी कभी होता है कि इतना थक जाते हैं, लेकिन पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू है। बस अपने प्रति ईमानदार रहना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, खुद से मतलब नहीं होना चाहिए। बस जब भी हम ये सोचे कि हम पढ़ रहे हैं तो अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस हाँ मैं पढ़ रही हूँ, इतने घंटे पढ़ रही हूँ, ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, ऐसे कह कह के कोई मतलब बुलवाने वाला काम नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ जो फुल नहीं करती हूँ। फिलहाल मेरा रेसिपी देख सकते हैं क्या क्या मैंने आज बनाया, जो चना बनाया, हलवा बनाया, पूड़ी बनाया और खीर जो शुद्ध देसी घी में एकदम बढ़िया से बनाई, जो ये नवरात्रि के दिन के शाम का ही है। तो मेरा भी मन हुआ कि आज मैं यही बनाऊँ खाने पे भी, तो बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन नवरात्रि होता है तो ये सब नहीं बनाने को, जब भी माता जी का जो रहता है प्रसाद तो फिलहाल बीत गया, तो मैं भी सोची बना लेती हूँ आज। तो बनाई खाना वाना, बना के गई मैं इधर देखने के लिए, क्योंकि जब भी जाओ ना लेट हो जाता है। पहले दिन मैं चली गई बिना खाना पीना बनाए, एकदम हालत ख़राब, एकदम थक गए, घर आए एकदम मन नहीं हो रहा था बनाने के लिए। जो 9 बज जाते हैं जब भी जाओ तो आने में इतना बज ही जाते हैं, जो बच्चे हैं खेलते हैं कूदते हैं, इधर प्रोग्राम होता है तो सब देखने में टाइम लगता ही है, और फिलहाल 3-4 दिन ही बस चलने वाला है। तो डेली अब हम लोग शाम को जाते ही हैं, 9:15 हो ही जाते हैं आने में, इसलिए मैं अब खाना बना के ही जा रही हूँ 2-3 दिन से। तो फिलहाल फर्स्ट डे ये बनाई है, अभी अभी 2 दिन और चलेगा तो वो मैं अपना सूट करती रहूँगी, किसी दिन करूँगी किसी दिन नहीं करूँगी। तो इधर देख सकते हैं माता जी का हम लोग भी दर्शन किए, पूजा वूजा किए, फिर उसके बाद आ गए इधर प्रोग्राम देखने, जो इधर आर्केस्ट्रा का आज प्रोग्राम था। तो फिलहाल आगे मैं आप लोग के साथ बहुत सारे शेयर करूँगी बातें, आप लोग के क्वेश्चन, उससे पहले ये प्रोग्राम देख लीजिए। फिलहाल वॉइस नहीं ला रही हूँ, क्योंकि कॉपीराइट कॉपी क्लेम ये सब आ जाते हैं, इसलिए मैं वॉइस नहीं ला रही हूँ। ये सिंगर कहीं की आई है, शायद बंगाल की है, तो अपना आर्केस्ट्रा चल रहा है और ये 3-4 दिन प्रोग्राम होता है, जो हर दिन अलग अलग होता है। एक दिन क्लासिकल होता है, मतलब फर्स्ट डे डांडिया हुआ, फिर उसके बाद क्लासिकल हुआ, फिर उसके बाद आर्केस्ट्रा हुआ, फिर एक दिन और क्लासिकल होगा। तो 3-4 दिन प्रोग्राम चलता है, इधर बच्चे अपना खूब खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि जब भी आर्केस्ट्रा वगैरह हो रहा है तो बच्चे को होता है कि भाई जहाँ म्यूज़िक ये सब ज़्यादा रहता है बहुत खुश होते हैं, फिलहाल अच्छा लगता है मेरे को भी। तो फिलहाल हम लोग देख रहे थे, देखने के बाद अब घर को चल दिए हैं, जो आते आते बहुत थक जाते हैं, पर भी पहले दिन हम लोग पैदल आए जो हालत ख़राब हो गई, इसलिए नेक्स्ट डे से गाड़ी से जाना शुरू कर दिए। और घर आने में देख सकते हैं 9:15 हो चुका था, जो आते ही फटाकटक मैं चेंज करी, अपना करी, बच्चों का चेंज करी, उसके बाद खाना पीना खाए, बच्चों को सुलाए, जो सुलाते सुलाते करीब 10:30-11 बज चुके थे। ये हो जाते हैं बच्चे जल्दी छोड़ते नहीं, तो कभी कभी परेशान करती मम्मी आपके साथ ही सुनाए, मम्मी आप ही सुलाओ, जो वही हाल होता है। तो इसके बाद मैं अपना पढ़ाई करने बैठी, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही करना है, और मैं कभी इसलिए रात में जल्दी सूट नहीं करती हूँ, कभी ऑनलाइन पढ़ती हूँ, कभी बुक से पढ़ती हूँ, एकदम फिक्स नहीं रहता है, तो सोचती हूँ क्या बार बार सूट करो हटाओ, इसलिए फिलहाल मैं बस दिन तक का ही शाम तक का ही सूट करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के साथ एक शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल आप लोग के कमेंट देख देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं रियल बोल रही हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे को बेकार लगता है कि हाँ कोई देख नहीं रहा है या फिर कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिलहाल ब्लॉग बना रही हूँ तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी। बाकी आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लग जाता है। और फिलहाल अभी मैं अपना प्रीवियस ईयर पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब भी एक प्रीवियस ईयर डेली पढ़ लेती हूँ, किसी भी टाइम पढ़ लेती हूँ, तो फिर अपना क्वेश्चन आंसर पढ़ती हूँ, कोई सब्जेक्ट जो अपना टारगेट बनाए हैं उसको पढ़ती हूँ। तो फिलहाल ऐसे ही अपनी पढ़ाई चल रही है। और आप लोग कैसे हैं, ऐसा करते हैं, अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर रहे होंगे, और फिलहाल मेरी तो जो चल रही है वो शेयर कर ही रही हूँ। फिलहाल कल ये ब्लॉग मेरा नहीं आया, और ये ब्लॉग मेरा परसों का है, जो कल भेजना डालना था तो नहीं डाल पाई, आज मैं आप लोग के साथ सुबह सुबह शेयर कर दे रही हूँ। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग तो नेक्स्ट डे जाएगा ही, अगर पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी हो चुकी है, एग्जाम पे एग्जाम आ रहे हैं, जो सारे एग्जाम दिसंबर में ही डाल दो, और कोई एग्जाम मत कराओ, सारे दिसंबर में ही डाल दो, कोई डेट कोई महीना कुछ भी नहीं है, सारे का सारा दिसंबर में ही डाल दो। PCS होगा, CTET हो गया, बाकी BPSC हो गया, बाकी ये UPSC हो गया, दिसंबर इस मुहूर्त मिला है सारे एग्जाम के लिए, कहीं वो एक एग्जैक्ट डेट ही सारे का ना डाल दे, ये भी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल अभी ऑफिशियल जो आया नहीं है, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि दिसंबर शुभ वाला मुहूर्त चल रहा है, इसलिए सारे एग्जाम दिसंबर में ही जा रहे हैं, लगातार एग्जाम होगा। तो जिसका जिसका होगा, दो दो तीन तीन वो परेशान होगा, फिलहाल तो मेरा एक ही है RO ERO, उसी पे फोकस है बस। तो फिलहाल अपनी पढ़ाई तो रात में अपना करी, जब तक पॉसिबल हुआ 11 बजे से करीब कर रही थी, जो बहुत टाइम हो चुके थे, नींद आने लगी थी, थक चुकी थी। तो अब चलते हैं सोने, मिलेंगे सुबह आपसे। और फिलहाल
आप एक कमेंट करी थी कि हिंदी में के लिए मैं कौन कौन सा बुक पढ़ती हूँ, तो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कितने बुक मैं हिंदी के लिए पढ़ती हूँ। डेली एक ही टॉपिक, मतलब छः टॉपिक है, छः टॉपिक को पढ़ना है, तीनों बुक्स मैं पढ़ती हूँ बारी बारी से। कुछ कुछ होता है कि वर्ड डिफरेंट आ जाते हैं, तो वो सब तैयार हो जाता है। एक ही बुक से पढ़ो तो बस एक ही चीज़ मिलेगा, इसलिए मेरे को जो सही लगा कि हाँ ये तो सही है तो मंगा लेती हूँ फिलहाल टॉपर्स को देख देख के कि हाँ ये तीन चार बुक पढ़ लो, एकदम हिंदी में 60 में 60 आएंगे, 50 60 में 50 आ जाएंगे। तो मैं सोची चलो मैं भी पढ़ ही लेती हूँ। जो देख सकते हैं हिंदी के लिए, ये आदित्य पब्लिकेशन का, और एक है पूर्वालोकन और एक हरदेव बहारी, तीन बुक है। यही तीन बुक से मैं हिंदी को पढ़ रही हूँ फिलहाल, अभी ये दो बुक पढ़ चुकी हूँ, मतलब बारी बारी से बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। लेकिन होता है ना कि जब ये क्वेश्चन लगा रही हूँ ना तो एकदम 60 में 60 नहीं आ रहे, मतलब अच्छा नहीं बन रहा है। मेरे को होता है कि संतुष्टि एक मिलता है ना कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हो रहा है, मेरे अच्छे मार्क्स बने लिए, वो संतुष्टि मेरे अंदर अभी नहीं आ रही है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, जिसकी वजह से सर दर्द, फिलहाल चेस्ट पेन कभी कभी होने लगता है। मैं ये आप लोग के साथ बहुत पहले ही शेयर करी थी, ये प्रॉब्लम मेरे को है, लेकिन फिलहाल किसी चीज़ का दवाई नहीं खाती। लेकिन सर दर्द मेरा एक बीच इतना हो रहा था कि मुझे दवाई खाना पड़ा था, तभी फिलहाल तब से तो ठीक ठाक चल रही हूँ और मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू है। कुछ पॉइंट फिलहाल हिंदी पढ़ने पड़ी, उसके बाद मैं सूट नहीं करी, जब ये सब था हिंदी का ही पढ़ना। डेली मैं हिंदी पढ़ती हूँ तो आप लोग के साथ सूट करती हूँ, शेयर करती हूँ। उसके बाद खाना पीना बनाए, खिलाए पिलाए, बच्चों को सुलाए, फिर मैं अपना लग गई हूँ फिर से पढ़ाई के लिए। जे जी एस का पढ़ूंगी, जी एस में अपना राज्य व्यवस्था पढ़े, जो देखी हूँ कौन कौन सा ज़्यादा फोकस करना है, जो उसको लिख रखी हूँ कि इसको मैं पहले से एकदम बढ़िया सा तैयार कर लूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ती हूँ जब ये सारे पढ़ लेती हूँ। जैसे हो गया मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और जियोग्राफी में वर्ल्ड और इंडियन दोनों पढ़ूंगी, पॉलिटी हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये फिलहाल इतना सारा पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट जो भी है वो पढ़ूंगी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और करंट करंट तो डेली चलेगा ही, ऐसा नहीं है करंट नहीं चल रहा है, फिलहाल होता है कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कुछ बताना, इसीलिए मैं प्रॉपर शेयर करती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग भी समझा करिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन पढ़ना है। तो फिलहाल आप लोग के सारे कमेंट के जवाब मिल गए होंगे, फिलहाल मेरे को इतना ही याद आ रहा है, जो जो याद आता है आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो, कभी नहीं निकलता है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, पढ़िए। मैं एक कमेंट आया था कि बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल जाती है तब याद आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, बस पढ़िए, मन है तो पढ़िए और कुछ नहीं। तो अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, मेरा भी ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।